हेलो स्टूडेंट्स, आज आप समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हेडिंग है प्रतिस्थापन द्वारा कुछ मानक फलनों के समाकलन। अब इसमें पहला है टैन एक्स का इंटीग्रल है माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स, या इसी को लिख सकते हैं लॉग से कॉस एक्स प्लस सी। व्यापक बनाने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ते हैं। काट एक्स का इंटीग्रल समाकल क्या है, लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स डी एक्स का है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, या इसका एक और मान होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। चौथा है सेक एक्स का इंटीग्रल समाकल क्या होगा, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, और इसी का मान होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। आइए पहले पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट आपका है टैन एक्स डी एक्स का मान निकालना। आपका पहला है टैन एक्स का इंटीग्रल सिद्ध करना है माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स या लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब जो है कि देखिए, इसको लिख सकते हैं टैन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स। टैन एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब जो है देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन द्वारा कुछ मानक फलनों के समाकल। तो अब जो है कि अभी आप प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं कि ऐसी भिन्न का समाकल जिसका अंश जो है हर का अवकल गुणांक हो। अब जो है कि यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे तो लेट माना कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स बराबर टी हो जाएगा, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर टी का वन हो जाएगा, वन इंटू डी टी, क्या लिखेंगे डी टी। इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, यह हो गया आपका। अब जो है कि इसी में रखना है, तो देखिए क्या है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस डी टी। तो अब रखिए इसमें साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर रखेंगे माइनस डी टी, वन अपान कॉस एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे टी रखेंगे, तो वन अपान टी डी टी हो गया। तो माइनस वन अपान टी डी टी को लिख सकते हैं आप लाग टी, क्या लिखेंगे लाग टी, और एक स्वच्छ चर सी जोड़ देंगे व्यापक समाकल के लिए। बराबर लिख सकते हैं माइनस लाग, और टी का मान क्या रखेंगे, टी का मान क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस सी। यही आपका जो है कि सिद्ध करना था कि टैन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, यह हो गया। अब इसी को सिद्ध करना है कि लॉग सेक एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, अब इसी को आप ध्यान से देखिए, तो इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स टू द पावर माइनस वन। आप सूत्र जानते हैं लॉग एम टू द पावर एन को लिख सकते हैं एन लॉग एम, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स टू द पावर माइनस वन, यह सूत्र किसका लगा है, लॉग एम टू द पावर एन को लिख सकते हैं एन लॉग एम। यह आप पढ़े हैं नाइन्थ क्लास में जो है पढ़े हैं कि लॉग एम टू द पावर एन को लिखते हैं एन लॉग एम। तो अब यह कॉस एक्स टू द पावर माइनस वन, इसी को मैंने, यही जो है कि माइनस वन है, तो माइनस वन इसका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं वन अपान कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लॉग वन अपान कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी, यह भी इसका मान है। तो टैन एक्स का इंटीग्रल जो है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होता है या लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है, दोनों मान क्या है सही है।
अब आइए दूसरे पार्ट को हम सिद्ध कर रहे हैं कि काट यक्स का मान क्या होता है, लाग साइन यक्स प्लस सी। आइए दूसरे पार्ट को सिद्ध करते हैं। दूसरा क्या है, काट यक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लाग साइन यक्स प्लस सी। आइए इसको सिद्ध किया जाए। तो काट यक्स को आप लिख सकते हैं कास यक्स अपान साइन यक्स डी यक्स। अब देखिए, अब जो है कि आप पढ़े हैं ऐसी भिन्न का समाकल, ऐसी भिन्न का समाकल जिसका अंश, अंश क्या है कास यक्स, जिसका अंश हर का अवकल गुणांक हो। तो यहां पुट करेंगे, पुट साइन यक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स, कास एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कास एक्स डी एक्स, कास एक्स डी एक्स के स्थान पर रख देंगे डी टी वन अपान, और साइन एक्स का मान क्या माने हैं टी, तो वन अपान क्या हो गया टी, और वन अपान टी को क्या लिख सकते हैं, लाग टी प्लस सी। व्यापक बनाने के लिए सी जोड़ते हैं, जहां सी क्या है स्वेच्छाचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जो है क्या हो जाएगा, लाग टी का मान क्या रखेंगे, टी का मान क्या है साइन ऑफ एक्स है, तो लाग साइन ऑफ एक्स प्लस सी। यह देखिए यह जो चिन्ह दिया जा रहा है यह मॉडुलस का है, यह मॉडुलस मापांक बताता है कि लाग का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे कि लाग का मान क्या होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए मॉडुलस का प्रयोग किया गया है, मापांक का लाग साइन ऑफ एक्स प्लस सी। यही जो है काट यक्स का क्या होगा, इंटीग्रल हो जाएगा लाग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें चार फार्मूले हम लिखे हैं और हेडिंग है प्रतिस्थापन द्वारा कुछ मानक फलनों के समाकल। तो दूसरे पार्ट को हमने सिद्ध किया काट यक्स का मान क्या होता है, लाग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तीसरा पार्ट है कोसेक यक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लाग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। इसका मान एक होता है लाग कोसेक यक्स माइनस काट यक्स प्लस सी। चौथे का है सेक यक्स का इंटीग्रल समाकल क्या होता है, लाग मॉडुलस का चिन्ह है मापांक टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपान टू प्लस सी, और इसी सेक यक्स का एक और मान होता है लाग सेक यक्स प्लस टेन यक्स प्लस सी। तो चार में दो को मैंने सॉल्व किया है, तीसरा और चौथा जो है आपका जो मान मैं लिखा हूँ राइट हैंड साइड में, इसको आप सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में ये फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले हैं यह सब क्लास टेंथ में दिया हुआ है। देखिए पहला फार्मूला है टू साइन ए कास बी बराबर क्या होता है, कोई आपसे पूछे टू साइन ए कास बी बराबर, तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कास ए साइन बी, टू कास ए साइन बी का मान क्या होता है, तो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यह कैसे निकलता है, बहुत आसान तरीका है निकालने का, साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। यही साइन ए प्लस बी का मान हम रख दें साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया साइन ए माइनस बी साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कट जाएगा, कुछ बचेगा तो वही आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू साइन ए कास बी। दूसरा है टू कास ए साइन बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यदि आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी का फार्मूला आता है तो इसमें मान रखेंगे राइट हैंड साइड में
तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा मान आ जाएगा। देखिए यह फार्मूला यहाँ पर लिखा गया, साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, साइन ए माइनस बी का मान क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का। यही मान राइट हैंड साइड में रखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें चौथे नंबर पर है, क्या है, टू साइन ए साइन बी। इसको याद रखिएगा, टू साइन ए साइन बी का मान क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। यदि कास ए माइनस बी का मान रख दीजिए, कास ए माइनस बी का मान क्या होता है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। कास ए प्लस बी का मान क्या होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो धन है वह ऋण हो जाएगा, और जो ऋण है वह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान दो ऐड होंगे तो टू साइन ए साइन बी का। अब देखिए यह भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, सी डी फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का मान क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। यदि आप मान लें कि माना ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, यदि आप मानेंगे, ध्यान सुनिएगा, आप पढ़ चुके हैं, माना ए धन बी बराबर क्या सी और ए माइनस बी बराबर डी, दो इक्वेशन दो समीकरण बनाएंगे और उसी को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो यह जितने फार्मूले दिए हैं यह क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला चौथे नंबर पर है, कॉस सी माइनस कॉस डी का मान होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। सबसे यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है चौथे नंबर पर, और इधर भी चौथे नंबर पर यह क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह फार्मूला है, यहाँ पर चौथे नंबर पर, यहाँ पर चौथे नंबर। अब देखिए साइन टू ए का मान क्या है, टू साइन ए कॉस ए, यह भी आसान है। यदि जो लड़का साइन ए प्लस बी का मान जानता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यदि बी का मान क्या हो जाए, ए हो जाए, यदि बी का मान ए रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, ए प्लस ए क्या होगा, टू ए हो जाएगा, तो साइन टू ए हो जाएगा। और जहाँ पर बी है वहाँ पर क्या रख देंगे, जहाँ पर बी होगा वहाँ पर ए हो जाएगा, तो उसी का मान क्या हो जाएगा, जब इस में राइट हैंड साइड में बी के स्थान पर ए रखेंगे तो आपका मान हो जाएगा टू साइन ए कॉस ए। अब इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, साइन टू ए का मान टेन के पदों में होता है, टू टेन ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस टू ए का मान, यही कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यदि बी के स्थान पर क्या हो जाए, ए हो जाए, तो कॉस टू ए हो जाएगा। कॉस टू ए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह तीन पदों में है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर एक मान होता है कॉस टू ए का, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, यह सब कॉस टू ए का मान है। कॉस टू ए का टेन के पदों में वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका यह मान होता है। अब इसी तरह आपका है साइन थ्री ए का मान होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ऐसे ही कॉस थ्री ए का मान होता है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, ऐसे ही मान आप याद कर लीजिएगा। और देखिए आपकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 7.3, उसमें जो है देखिए यही जो आपका है कॉस टू ए का मान क्या है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस वन इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में आएगा तो वन प्लस कॉस टू ए होगा, और इसमें अब फिर क्या हो जाएगा, अगले लाइन से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिमार्क में लिखे हैं नोट में, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए में क्या करेंगे, टू साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और कॉस टू ए को लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू। यहीं पर मैंने देखिए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। यदि आपको प्रश्नावली में कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो उसके स्थान पर आप चेंज करके लिखेंगे वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। यदि कहीं कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देता है तो उसके स्थान पर लिखेंगे वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। आपकी प्रश्नावली है
एक्सरसाइज 7.3, इसमें पहला सवाल है साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, इसका जो है कि मान निकालना है। अब जो है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया, आपका सूत्र क्या है, अभी जो है कि बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखते हैं 1 cos 2θ / 2, यही जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं आएगा तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर 1 cos 2θ / 2। तो इसका इंटीग्रल निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 cos 2 और थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या है 2x + 5 है, तो cos 2 और थीटा के स्थान पर के 2x + 5 अपन क्या लिखेंगे 2 dx। अब इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट को बाहर कर 1/2 dx माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें देखिए 1/2 क्या कर लेंगे बाहर, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो cos 4x और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, cos 4x + 10 dx। अब जो है इसका जो है कि आप जो है कि मान निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर 2x + 5 dx है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 cos 2θ / 2 का प्रयोग करेंगे। तो अब जो है कि dx का क्या हो जाएगा, x होता है तो 1/2x - 1/2। अब देखिए आप पढ़े हैं फार्मूला कि cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा d थीटा क्या होता है sin ऑफ थीटा प्लस क्या होता है, व्यापक के लिए c जोड़ देते हैं, तो cos थीटा इसको ढक लीजिए cos थीटा, तो क्या लिखेंगे sin थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है आपका 4x + 10, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के स्थान 4x + 10। अब जो है 4x + 10 का अवकल गुणांक करेंगे क्योंकि जो है कि इसका प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, अगर इसको डिटेल में लगाना है तो मानेंगे कि माना 4x + 10 = t, तो 4 dx कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0 = dt, वैसे लगाएंगे तो थोड़ा 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, डायरेक्ट लगाएंगे तो cos x का हो गया sin x। अब इसका अवकलन करेंगे 4x का 4 और 10 का अवकल गुणांक 0, तो अब जब समाकलन करते हैं तो अवकलन आपका क्या आया 4 आया, तो 4 का उल्टा क्या होगा 1/4 प्लस c, तो हो जाएगा आपका 1/2x - 1/8 sin 4x + 10 + c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 7.3 में कुल 24 प्रश्न हैं, जिसमें मैंने पहला सवाल लगा दिया है, शेष प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।